आप सबको जो है मैं हूँ सलमा, हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आज मैं बाहर निकली हूँ। थोड़ा आज बारिश रुकी है ना, लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं रूम से निकल ही नहीं पा रही थी। तो आज थोड़ा बारिश रुकी है इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मौसम, ठंडी ठंडी सी, मतलब बारिश रुक गई है और मिट्टी सब गीला गीला है। वो जो गीला मिट्टी का खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। अभी तो मतलब बाहर भी ज़्यादा निकल नहीं पा रही हूँ, घूमना फिरना भी नहीं हो पा रहा है, तो बगीचे में ही थोड़ा घूम लेते हैं। बहुत मतलब बदल बदल सा लग रहा है। बहुत क्या, पेड़ पौधा सब बहुत ज़्यादा उठ गया है, पूरा हरा भरा लग रहा है चारों तरफ। अरे बाप रे, इतना सारा टिंडे, इसीलिए वो मुझे लगा माँ को कहाँ से रोज़ रोज़ मिल जा रही है टिंडे। बहुत सारा, रुकिए आप देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, रोज़ माँ यही मुझे उबाल के दे रही है, मतलब पका के दे रही है। अभी तो मिर्ची मसाला भी मतलब खा नहीं पा रही हूँ ना, सब वो जो उबला हुआ खाना ही खा रही हूँ। तो रोज़ मुझे माँ टिंडे की सब्ज़ी देती है उबाल कर, तो मुझे लग रहा था कहाँ से इतना टिंडा मिल रहा है माँ को। तो यहाँ हमारा मतलब लगाया हुआ था, बहुत दिन पहले हम लगाए थे, तो बहुत सारा हुआ है। रुकिए आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, देखिए कितना सारा है, बहुत सारा है। आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, नहीं आप लोग आ जाना और लेके जाना। किस किस को पसंद है, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो जो चिल्ला वगैरह बनाते हैं वो पसंद आता है, लेकिन सब्ज़ी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन क्या करें, अभी के लिए तो ये अच्छा होता है, पपीता वगैरह, पपीता टिंडा ये सब खाने अच्छा होता है, इसलिए यही सब अब उबाल के दे रहे हैं मुझे। और चलिए देखते हैं क्या क्या है। बहुत मतलब पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा उठ गया है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, हरा भरा लग रहा है चारों तरफ। और ये देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, मकाई का पेड़, मकाई नहीं आया है, हम लगाए थे छोटे छोटे था तब, मुझे याद है, मतलब बहुत दिन बाद अभी निकल रही हूँ ना। बहुत सारा है, फल भी आ गया है, बड़ा नहीं हुआ है। ये देखिए, और नींबू भी है, अभी तक पक गया है नींबू। मैं एक बार आप लोगों को दिखाई थी, अगर आप लोगों वीडियो देखे होंगे तो याद होगा आपको, पक गया है अभी तक, खाने लायक भी बन गया है। मुझे तो बहुत नया नया ही लग रही है, बहुत दिन बाद बाहर निकल रही हूँ ना, यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत दिन बाद मैं बाहर निकल रही हूँ, पूरा नया नया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं हमारे बगीचे में घूम रही हूँ, मुझे लग रहा है कि और किसी का बगीचे में घुस गई हूँ शायद, ऐसा लग रही है। ये देखिए कितना सारा अमरूद, ये पक के गिर गया है नीचे, नीचे कितना सारा गिर गया है, पेड़ में भी बहुत सारे हैं। किसी किस को अमरूद खाना पसंद है, आ जाना आप लोग भी खाने के लिए, यहाँ पेड़ के ऊपर भी बहुत सारा है। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो भी हमारे कल्चर का, ठीक है। चलिए, शायद पुन्ना उठ गया होगा, मैं उसको थोड़ा देखती हूँ, उसके बाद आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊँगी। चलिए फिर घर की तरफ चलते हैं। उधर देखो, हाय बोल दो सबको, हाय। बात नहीं करना है आपको। अच्छा, आप जब बड़े हो जाओगे तब बात करोगे, अभी नहीं बात करोगे।
अभी सिर्फ मामा के साथ बात करोगे, सिर्फ मामा के साथ, ठीक है। तो ये उठ गया है, पहले मैं इसको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आपको जल्द सुनाती हूँ। तो उसको फिर से मैं सुला दिया हूँ और मैं एक दूसरी रूम को चली आई। अगर वो अभी शांति से सो रहा है, अगर फिर से मेरी आवाज़ सुनेगा तो जग जाएगा। तो मैं कहाँ थी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली थी। जैसे कि कल राखी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग बहुत अच्छे से मनाएगा और ये रक्षाबंधन को हमारी भाषा में गम्हापारा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, मैं पिछले वाली वीडियो पे भी आप लोगों को बताई थी। हम लोग जितने भी मतलब त्यौहार मनाते हैं या फिर कोई फंक्शन मनाते हैं तो उसी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होता है। तो गम्हापारा को लेकर भी एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को मैं आप लोगों को आज मैं सुनाऊंगी। तो जैसे ये गम्हापारा यानी रक्षाबंधन सावन की महीना में आता है, तो हम लोग तो ट्राइबल से बिलोंग्स करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या खेती करके ही अपना गुजारा गुजारते हैं। तो ये जो सावन के महीना होता है, ज़्यादातर सावन के महीना में ही जब बारिश होती है तब खेती वगैरह करते हैं। तो क्या होता है ना, ये सावन के महीना में इतना ज़्यादा लोग काम कर करके थक जाते हैं, या फिर जो बैल वगैरह भी मतलब हल करते हैं तो वो सारे थक जाते हैं। तो जिस दिन सावन का पूर्णिमा होता है उसी दिन सब लोग क्या, जैसे हमारा रक्षाबंधन या गम्हापारा वो सावन के महीना का पूर्णिमा में ही आता है, तो उसी दिन वो लोग सारे क्या करते हैं कि रेस्ट लेते हैं, उस दिन कोई काम करने नहीं जाते। और ये गम्हापारा में गोंघा का खीर बनाते हैं और गोंघा का क्या पिठा बनाते हैं, तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं गम्हा का पारा। तो एक बार ऐसा क्या हुआ ना, एक मतलब भाई बहन रहते थे और उनका मतलब माँ बाप चल बसे, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, तो वो लोग उनके मामा के यहाँ चले गए। उनके जो मामा है वो बहुत ही अच्छा थे, वो उनको वो जो भाई बहन उनके जो माँ बाप गुजर गए तो उनको लेके छोटे छोटे थे ना, तो उनको लेके अपने घर में रखे। वो जो बच्चे का मामा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और उनके जो मामी होती है वो बिल्कुल भी उन बच्चों को पसंद नहीं करती थी। तो ऐसा क्या हुआ ना, तो ऐसे ही गम्हा का पारा आया यानी कि रक्षाबंधन आया, तो उसी दिन तो खेत को जाना मना था, महीना भर सब काम कर थक जाते हैं ना, इसलिए उस दिन तो रेस्ट करते हैं। तो क्या हुआ, उनका एक खेत में कुछ काम रह गया था, तो वो जो उनके बच्चों के मामा होता है वो बाजार चले जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, तब वो जो मामी उन बच्चों को भेज देती है कि जाओ खेत में कुछ काम रह गया है और तुम लोग जाओ काम करो, और जो आप लोगों के मामा जब आएंगे और मैं खाना वाना बनाऊंगी फिर उसके बाद चले आना घर, हम लोग साथ में खाएंगे। तो क्या हुआ ना, वो लोग मतलब उन बच्चों का मन नहीं था, थोड़ा सा मन नहीं था खेत जाने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन क्या करें, उनके मामी भेज रही है और उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, मतलब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था कि वो काम करके बच सके। उनके मामा तो बाज़ार चले गए थे ना, तो वो लोग मतलब उन दोनों बच्चों रो रो कर खेत को गए और काम कर रहे थे। तब क्या हुआ ना, पानी में वो लोग तो मतलब खेत में तो पानी होता ही है ना, तो पानी में वो लोग काम कर रहे थे, तब अचानक से कैसे उनके शरीर मतलब सांप का रूप धारण कर लिया,
जैसे हमारा इच्छाधारी नागिन होते हैं ना, उनका मतलब सर इंसान जैसा होता है, फिर वो जो पैर बदन वो सब सांप जैसा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे सांप जैसा बनने लग गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद उनको मामा घर आया, मामा घर आए तो उसके मामी को पूछे कि मतलब उनके पत्नी को पूछे, वो मेरी भांजा भांजी कहाँ गए। फिर वो बोली कि नहीं, मैं उनको खेत को भेज दिया है काम करने के लिए। फिर क्या हुआ ना, वो मतलब बहुत जल्दबाजी में चले गए। आज तो 12 दिन है, त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का दिन है, और कैसे वो उन लोगों को तुम काम करने के लिए भेज दिया, ऐसा बोल के वो बहुत जल्दबाजी में खेत की तरफ गए। और जब खेत पहुँच कर देखे तो मामा का होश ही उड़ गया। देखे कि वो जो उनका भंजा और भांजी है, उनका शरीर पूरा सांप का रूप धारण कर लिया है और सिर्फ वो सर है इंसान का। तो वो मामा बुलाया कि नहीं भंजा भांजी, मुझे माफ़ कर दो और तुम्हारे मामी को भी माफ़ कर दो, और चल चलो वापस हम लोग घर चलते हैं। तो वो भंजा भांजी ने मना किया कि नहीं, हम लोग और अभी कभी भी इंसान नहीं बन सकते। आज का दिन में हम लोगों को काम करने के लिए भेजा गया, हम लोग काम कर रहे थे, पता नहीं कैसे हम लोगों का शरीर सांप की रूप ले लिया, तो हम लोग हमारे माँ बाप के पास जा रहे हैं। ऐसा बोल के वो क्या किया ना, जैसे सांप ऐसे चलते हैं ना, तो ऐसे ही मतलब उनका जो सर है वो इंसान के जैसे ही था, और उनका शरीर जो सांप जैसे ही था, तो सांप ऐसे चलते हैं ना, तो ऐसे वो लोग भी चल चल के उनके माँ बाप के पास जा रहे थे। तो जिस रास्ते पे वो लग गए, उस रास्ते पे एक एक नदी बन गया। एक एक नदी का नाम होता है काड़ो, और एक नदी का नाम होता है कुइली। तो काड़ो कुइली के नाम पे दो नदी बन गया, और उस नदी बोलते हैं आज भी है। तो ऐसा ही है, तो उस दिन से कोई भी ये जो गम्हा पारा के दिन में कोई भी खेत को काम करने के लिए नहीं जाते हैं। और ये सावन का जो महीना होता है वो जो पूर्णिमा से पहले ही सारे काम ख़त्म कर देते हैं, खेती का काम। अगर कुछ रह भी जाता है ना खेती का काम, तो वो ये जो पारात के बाद अगर कोई भी काम करता है तो उसका इतना अच्छा फसल नहीं होता है, ऐसा ही माना जाता है। इसीलिए ये पारात के पहले पहले ही सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे तो पता नहीं है ये स्टोरी कितना सच है कितना मीथ है। बस हमारे जो दादा परदादा होते हैं वो ये स्टोरी हम लोगों को सुनाए थे, इसलिए ये स्टोरी पता है। तो हमारे ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और भी वीडियो लेके हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।